राष्ट्र में अंधेर ही अंधेर, कंट्रोलर तेरे राज्य में अंधेर ही अंधेर, कंट्रोलर तेरे राज्य में अंधेर ही अंधेर, कंट्रोलर तेरे राज्य में अंधेर ही अंधेर। मास्टर यूनिवर्सिटी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मास्टर यूनिवर्सिटी शर्म करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्टेट न्यूज़ नेटवर्क, और इस वक्त हम हैं प्लस यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं बच्चों ने प्रदर्शन जो अपना जारी रखा हुआ है। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि जो जहां पर इन्हें पहले कहा गया था कि इनके जो पेपर्स होंगे उसमें सिर्फ इन्हें 50% पेपर ही अटेम्प्ट करना है, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने 50% पेपर अटेम्प्ट किए, लेकिन फिर भी उसके बाद इन्हें प्रॉपर मार्क्स जो है डबल मार्क्स नहीं दिए गए हैं, उसको लेकर इनका इनका प्रदर्शन जारी है। क्या कुछ मुख्य मांगे हैं जो आप काफ़ी देर से कर रहे हो, जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई? देखिए, 10 अगस्त को क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने बायनल स्टूडेंट्स थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट निकाला। जब क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने प्रीवियस ईयर में 60% सिलेबस के साथ 6 सेमेस्टर के विद्यार्थियों के एग्जाम कंडक्ट करवाए, तब क्लस्टर यूनिवर्सिटी का रिजल्ट 60% सिलेबस के साथ 90% बच्चे पासिंग में था। पर जब वही क्लस्टर यूनिवर्सिटी थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों का 40% सिलेबस पर एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो यूनिवर्सिटी का रिजल्ट 90% बच्चे फेल में आता है, जबकि यूनिवर्सिटी के मात्र 7 से 10% बच्चे जो हैं वो पास हैं। जब इसकी पूरी जब विद्यार्थियों को लगा कि उनके पेपर अच्छे होने के बावजूद भी यूनिवर्सिटी द्वारा उनको नंबर नहीं दिए गए, विद्यार्थी यहाँ पर आते हैं, तो यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि आप लोग एक काम कीजिए, अपनी आंसर शीटें निकलवा के लाइए, जिसको लगता है कि उसकी आंसर शीट गलत है। सर, जिसको लगता है उसकी आंसर शीट गलत है तो 90% बच्चों का रिजल्ट फेल नहीं होता। जब 90% बच्चों का रिजल्ट फेल है तो विद्यार्थी इतनी भारी संख्या में आपके पास आ रहे हैं, और ये केवल एक कॉलेज की बात नहीं है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी कंडराने वाले साइंस कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज और एमएम कॉलेज, सभी कॉलेज के विद्यार्थी एकत्र होकर कॉलेज वाइज अपनी एप्लीकेशन देकर गए कि सर इन इन सब्जेक्ट कोर्सेज में इन इन विद्यार्थियों के नंबर जो हैं गलत चढ़े हैं। यूनिवर्सिटी ने पिछले 5 से 7 दिन से वो एप्लीकेशन अपने पास रखी, और जब हम आ जाते हैं कि सर आपने उस पर क्या किया, तो अभी तक इनका काम जो है अंडर प्रोसेस ही जो है वो चलता जा रहा है। इसके बीच में यूनिवर्सिटी अपनी रीवैल्यूएशन के सारे फॉर्मों की डेटा निकाल देगी, अपने रीअपेयर के सारे फॉर्मों की डेटा निकाल देगी। जिन विद्यार्थियों का रिजल्ट यूनिवर्सिटी की वजह से गलत आया है, वो विद्यार्थी एक बार फिर यूनिवर्सिटी की गलतियों की वजह से जो है सफर होगा एक साल पूरा। जिन विद्यार्थियों ने एग्जाम देने का फैसला उठाया, वो भी इस कोविड के टाइम पे, यूनिवर्सिटी ने जब उनके मार्क्स डबल करने चाहिए थे, 120 में से उनको 3-3 नंबर दिए गए। सर, आप एक बात बताइए कि 40% सिलेबस में से विद्यार्थियों ने 3 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया होगा क्या? क्या अगर 40% सिलेबस में आपने कहा कि आप 40 का अटेम्प्ट कीजिए, नंबर आपको 120 में देंगे, तो अगर 40% वाले जिन नंबर वाले जो बच्चे रह गए, जिन जिन बच्चों को आपने 21-21 3-3 नंबर दिए हैं, उन बच्चों ने पेपर किस हद का अटेम्प्ट किया होगा, और किस हद से आप ये कह रहे हैं कि आपका जो है नंबर हम डबल करके दे रहे हैं? अब यूनिवर्सिटी वाले कह रहे हैं कि हम उनका काम कर रहे हैं, उनका प्रोसेस जो है काम अंडर प्रोसेस है। सर, अगर आप 16 के नंबर 32 करके देंगे और हमारे नंबर 12 के 12 रखेंगे, सर वो तो एक फेयर डिसीजन हुआ नहीं। अगर आप 16 के 32 कर रहे हो तो 12 के भी 24 करो ना, जिसमें से हमको नंबर देने चाहिए। लॉजिकल अगर बात देखी जाए तो अगर विद्यार्थी 40% सिलेबस पूरा भी अटेम्प्ट करता तो कम से कम उसके 80 नंबर बनते ही थे, पर यूनिवर्सिटी ने 90% बच्चे फेल किए। उसके पीछे का कारण यह है कि यूनिवर्सिटी के पास रीवैल्यूएशन और रीअपेयर की फीसों की कमी आ रही थी। फर्स्ट सेमेस्टर के सारे पेपर ऑनलाइन हुए, थर्ड सेमेस्टर के सारे पेपर ऑनलाइन हुए, फिफ्थ के सारे पेपर ऑनलाइन हुए, जिसमें विद्यार्थी जो है ना के बराबर जो है वो फेल हुए। अब यूनिवर्सिटी ने कहीं ना कहीं से तो चंदा इकट्ठा करना ही था, तो यूनिवर्सिटी ने जितने विद्यार्थियों ने बायनल का एग्जाम दिया उन सभी विद्यार्थियों को कर दिया फेल। अब लगता है रीवेल होते हैं तो एक मोटी खासी रकम जो है वो इकट्ठी की जाएगी, उसमें बहुत प्रतिशत जो है सामने आएगी पास होने की। देखिए सर, ऐसा है कि ये जो हमारे एडमिशन का और जो हमारा फीसों का स्ट्रक्चर है ना, ये एक ना मैं कहूँ आपको लेवल वाइज चलता है, 650, 800, 1400, 2100, 2100, और अगर आप लेट भरते हैं तो ये 12-12 हज़ार तक जाती है केवल एक एक विद्यार्थी की फीस। तो आप हिसाब लगा लीजिए कि यूनिवर्सिटी कितना चंदा इकट्ठा करने वाली थी 90% बच्चों से, और अगर विद्यार्थी यहाँ पर, अब ऑब्वियस है जिस विद्यार्थी को लग रहा है कि उसका नंबर गलत है, वही विद्यार्थी यहाँ पर आकर प्रदर्शन कर रहा है। मुफ्त में यहाँ पर कोई भी रोटी खाने नहीं आया, विद्यार्थियों ने मेहनत की है, 40% सिलेबस को अडॉप्ट कर पढ़कर सिलेबस के अगर नंबर अटेम्प्ट किया है पेपर, तो उसको उसके पर्याप्त नंबर मिलने चाहिए, जो यूनिवर्सिटी नहीं दे रही। तो ये कुल मिलाकर इनका जो है मांगे हैं, मुख्य मांगे यूनिवर्सिटी को लेकर प्रदर्शन लगाना। क्लस्टर यूनिवर्सिटी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्लस्टर यूनिवर्सिटी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब।
जागो, नींद से जागो। कंट्रोलर तेरे राज में अंधेर ही अंधेर है। कंट्रोलर तेरे राज में अंधेर ही अंधेर है। आपने देखा किस प्रकार से जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इनके साथ जो बोला गया वैसा हुआ नहीं, उसका उल्टा जो है वो हो रहा है, उसको लेकर इनका प्रदर्शन यहाँ पर जा रही है। और कहीं ना कहीं कंट्रोलर्स वगैरह इनकी बात सुनने को कोई भी रेडी नहीं है यहाँ पर। और तीन तीन मार्क्स जो है, इनका कहना है कि तीन तीन मार्क्स दिए गए हैं, और जो इन्हें कहा गया कि इनके डबल मार्क्स दिए जाएंगे, वैसा कुछ भी नहीं, और हाफ पेपर अटेम्प्ट करने के लिए कहा गया था। आप देखते रहे था फोर्थ स्टेट न्यूज़ नेटवर्क, मुझे दीजिए इजाज़त, जय हिंद।